विकी, आई लव यू। जो कोई पैदा होता है उसे मरना होता है क्या? मैं मरना नहीं चाहती विकी, मैं जीना चाहती हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी बाहों में हूं, मुझे अपने अंदर छुपा लो विकी, ताकि मौत मुझे न देख सके। पता नहीं, मगर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है तुम मुझे बचा लोगे। मुझे बचा लोगे ना विकी? हाँ नैना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रह सकी, मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझसे नहीं रह गया। तेरी जुदाई अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वादा करती हूं तुझे परेशान नहीं करूंगी, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी, रोऊंगी भी नहीं,
मगर अब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। तू नाराज हो, चाहे गुस्सा कर या मुझे डांट, मगर अब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। माँ, तुझे देखकर मैं कितना खुश हूं यह मैं लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकता। माँ, मैं बहुत खुश हूं। माँ, हेलो, क्या ये? सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ, मिलना नहीं है क्या? अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कोई खबर क्यों नहीं दी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ, तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हाँ। शायद तुम्हारे डैडी का होगा। हेलो, क्या समझते हो तुम? सिर्फ प्यार करने से सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बाकी चीजों का ख्याल कौन रखेगा? हेलो, कौन सा नंबर चाहिए आपको? तुम्हारा ही नंबर चाहिए। ज्यादा होशियार मत बनो, आवाज बदल कर मुझे बेवकूफ बना लोगे। सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ जल्दी से आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो, समझे? किससे बात करनी है आपको? बस बस, अभी ये बहुत हो गया। और ये औरतों की आवाज में बात करना बंद करो। वैसे भी बहुत मुश्किल से दादी को अकेले बाजार भेजा है, और पापा भी हॉस्पिटल में है। अब वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से आकर मेरी पप्पी लो ना। देखिए, मुझे लगता है आप बकवास बंद करो और आकर मेरी पप्पी लो। सुनिए विकी, पप्पी। हेलो, मैं विक्की की माँ बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब घर पर नहीं है? मैं तुम्हीं से मिलने आई हूँ। मुझसे? तुमने ही तो फोन पर कहा था कि आकर पप्पी लो। हाँ, विकी की मम्मी। आइए आइए आइए। टुक टुक, तू इन्हें बगीचा दिखा, मैं भी आती हूँ। माँ जी, मैं अभी अभी आई। आप विकी की माँ हैं, है ना? हाँ। मुझे विकी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप चाय पियेंगे या कॉफी, या ठंडा लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैं अब भी आती हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि फोन पर आप हैं। न जाने क्या उल्टा सीधा बोल गए। सॉरी। एक मुद्दत के बाद मैंने अपने बेटे को खुश देखा है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इस जन्म में मेरी आंखें उसे फिर कभी खुश देख पाएंगी या नहीं। तुम नहीं जानती बेटी, आज मैं कितनी खुश हूं। विक्की से तुम प्यार करती हो, उसकी हालत जानने के बावजूद बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, वरना ऐसी हालत में कोई भी इंसान तुम जैसा खुश नहीं रह सकता। क्या हुआ है विक्की को? तुम नहीं जानती। तुम एक डॉक्टर की बेटी हो ना, इसलिए शायद इतनी बड़ी बात को कितनी आसानी से झेल लिया तुमने। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ बेटी। मुझे जब उसके बारे में पहली बार पता चला था ना, मैं तो बिल्कुल ही टूट गई थी। विक्की ठीक तो है? मुझे तसल्ली मत दे बेटी, मैं अभी तेरे पिताजी से मिलकर आ रही हूँ। विक्की इलाज तो करवा रहा है उनसे, मगर मैं जानती हूँ अब वो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। ये जानने के बावजूद कि उसकी जिंदगी अब उसे
ज्यादा दिन मोहलत नहीं दे सकती। तुम उसके साथ इतने खुश कैसे हो बेटी? और वो भी कितना खुश रहने लगा है मैं समझ नहीं पा रही। इतने कम वक्त में बेटी तुमने उसे कैसे बदल दिया? यहां आने से पहले मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर यहां आने के बाद, तुमसे मिलने के बाद दिल को अजीब सी तसल्ली मिली है। अब मैं चैन की सांस लेकर वापस जा रही हूं।